कॉर्पोरेशन के मालिक हो क्या? डिप्टी कमिश्नर हो तुम, तो मतलब तुम सबकी सब जानकारी तुम्हारी पर्सनल नॉलेज में है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। दोनों कॉर्पोरेशन के ही लोग हो तुम, एक एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है। क्या खुराफात चल रही है बताओ हमको दोनों लोग। ये दो मशीन से कितने दिन में काम हो पाएगा? सर इससे 150 दिन में काम हो जाएगा। 6 लाख टन कचरा जो पड़ा है पिछले कितने सालों का है वो? पिछले 15 सालों का है। पिछले 15 साल का कचरा है सर। इस 15 साल के कचरे को जो सजा के रखा हुआ है आपने सर, इसको डिस्पोजल के लिए कब से कार्रवाई शुरू हो रही है? ये पाइलिंग ऑफ कचरा और लास्ट 15 ईयर्स जिसके लिए किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया, आफ्टर ऑल तो इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट करते हो टैक्स के फॉर्म पे, इसलिए करते हो भाई? APS भदौरिया डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, ऑल दीज ऑफिसर्स आर फ्रॉम कॉर्पोरेशन ग्वालियर ना? यस। अच्छा, आई एम बीइंग OIC ऑफ द केस नाउ, ही इज OIC ऑन हिज बिहाफ। आई मूव द प्रेजेंट रिप्लाई and I have gone through the said reply which I verify to correct to my personal knowledge. Not supported by record. Whether this man is here, Bhadauria? Who is Bhadauria? Yes, Bhadauria, do you own the corporation? Are you the owner? Tum corporation ke malik ho kya? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर के तुम मालिक हो, डिप्टी कमिश्नर हो तुम, सब तुम्हारी पर्सनल नॉलेज के आधार पर है जो लिखा है तुमने इसके ऊपर, तो मतलब तुम सबकी सब जानकारी तुम्हारी पर्सनल नॉलेज में है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी उनमें समझना पड़ेगा कि तुम लोग कर जो रहे हुए सब किसके कहने से कर रहे हो तुम लोग। एक दयाराम है क्या नहीं, विजय राज है, और दूसरे तुम हो, दोनों कॉरपोरेशन के ही लोग हो तुम, एक एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है। ये क्या खुराफात चल रही है बताओ हमको दोनों लोग। इस पे क्या कहा है तुमने मिस्टर गुप्ता, व्हाट यू वांट टू पॉइंट आउट? देन वाला पैरा 3। पैरा 3 ऑफ दिस वेरी एफिडेविट। हां, द एफोरसेड फैक्ट्स आर रिप्लाई हैव बीन रेड ओवर टू मी आफ्टर ट्रांसलेशन इन हिंदी। All right. Language and accordingly, I have fully understood the consequences and the facts narrated therein. No. On contents, what you want to say? Contents, matlab, in this decision reply, the dump quantity is being increasing. This is with reference to solid waste plant. Now, last time, Mr. Khoth had informed us that already there are 2 plants installed. Mr. Harsh Singh, there are 2 plants installed. Sir. Now, what is the yield of those two plants? Sir, we have filed in the reply, sir. They are processing. जो सवाल पूछे जवाब दो, हिंदी में अंग्रेजी में जवाब दो। मैंने सब बता दिया reply में, तो हम पढ़ ही लेंगे reply। और सामने reply के फिर डेबिट आ रहे, सामने दिख रहे हैं क्या है उसमें। अब आप मुझे ये बताइए, जो प्लांट जो लगे हैं आपके, उन दोनों प्लांट्स में आपने कितना आपका आउटपुट है उसका? 4,000 टन पर डे। 4,000 टन पर डे कितना बैकलॉग है? सर बैकलॉग 6 लाख टन पर डे। ये दो मशीन से कितने दिन में काम हो पाएगा? सर इससे 150 दिन में काम हो जाएगा। 6 लाख टन निकाल दोगे? सर हमने ऑलरेडी कुछ कर दिया, बाकी सब कर देंगे। 6 लाख टन कचरा जो पड़ा है पिछले कितने सालों का है वो? सर जो 6 लाख टन है वो पिछले 15 सालों का है। और रोज कितना टन इकट्ठा कचरा इकट्ठा हो रहा है? 450 टन सर। हाँ, तो जो रोज इकट्ठा हो रहा है और जो 6 लाख मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा है, इन दोनों को तुम 150 में निकाल दोगे? सर दैट आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट सर। सर उसमें दो चीज़ें हैं सर, जो पुराना जो इकट्ठा है सर उसके लिए जो मशीन लगी है वो 4,000 टन पर डे का प्रोसेसिंग करके निकाल देती है सर। जो रोज कचरा इकट्ठा होता है उसके पास, हमारे पास उसके लिए एक प्लांट है सर, वो अलग प्लांट है। उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के लिए हमने प्लांट करी 500 TPD टन पर डे का एक प्लांट है सर। तो हमारे पास जो सर डेली आता है सूखा जो कचरा आता है सर, उसके लिए शॉर्टेज पड़ रही है। गीला के लिए हमारे पास सैंपल है, रोज़ हम उसको प्रोसेस करके खाद बना देते हैं, वो चल रहा है प्रोसेस।
जो सूखा कचरा तो खाद बनाते हो वो खाद कहाँ ले जाते हो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेंडर है सर, वो टेंडर से व्यक्ति ले आता है, उसको पैसा पे करता है वो टेंडर है। तो गीला कचरा के लिए बारे में हमारे पास सफिशियंट है, हमारा कुछ नहीं कलेक्ट नहीं हो रहा। तो मतलब वहाँ पे अभी जितना भी हीप ऑफ कचरा है वो सब सूखा कचरा है? सूखा कचरा सर, जो पॉलीथीन है सब चीज़, इनर्ट है सब चीज़। अब सर सूखे कचरे के लिए हमारे पास जो 450 टन में से सर जो सूखा कचरा आता है उसके लिए हमारे पास प्लांट जो लगा है सर, वो जो 150 TPD का प्लांट लगा है वो सफिशिएंट नहीं है सूखे कचरे के लिए सर, सफिशिएंट नहीं है। और उसके लिए हमने सर जो इंस्ट्रक्शन थे उसके लिए हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल होता है कि आपको अगर एडिशनल प्लांट चाहिए उसके लिए आपकी पूरे डिटेल देके हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया सर, वो पिछले हियरिंग में भी। आप यहाँ कितने साल से हैं सर? अभी 8 महीने से। आपके पहले जो साहिबान थे सर उन्होंने कोई कार्रवाई करी इसके बारे में? सर ये प्रोजेक्ट जो था सर ये पिछले 15 साल का कचरा है सर। इस 15 साल के कचरे को जो सजा के रखा हुआ है आपने सर, इसको डिस्पोजल के लिए कब से कार्रवाई शुरू हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लेके आई सर लेगेसी वेस्ट। आप हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हो सर, और फिर वहाँ पे कुछ भी प्रकार की दरखास्त लगाते हो वहाँ से जवाब आता है कि साहब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने ट्रंक लाइन के लिए दरखास्त लगा दी वहाँ पे, जबकि वहाँ से ट्रंक लाइन का पैसा आना ही नहीं था, वहाँ से केवल STP का पैसा आना था, आपने 4 महीने निकाल दिए उसमें। ये आखिर हो क्या रहा है? हम लोग ये मसले को क्यों उठाए हुए हैं? आर यू वेटिंग फॉर मी टू रिटायर एंड देन प्रोसीड इन द वे यू वॉन्ट टू प्रोसीड? वाई आर यू डूइंग ऑल दिस? 15 साल से आज तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। 8 महीने से आप आए हो, अब आप हमसे बोल रहे हो कि अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूंगा कि मुझे सूखा कचरा रिसाइकिल करने के लिए पैसा दिया जाए। ऑलरेडी अप्लाइड है सर, हमने 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया सर उसके। मैं यही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पाइलिंग ऑफ कचरा फॉर लास्ट 15 ईयर्स जिसके लिए किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर ऑल तो इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट करते हो टैक्स के फॉर्म पे, किस लिए करते हो भाई? इसीलिए कि कचरा उठाया और कचरा डंप कर दिया। अब आप 2 महीने पहले आप बोलते हो मैंने सरकार को लिखा हुआ है, ये तो आपको म्युनिसिपल फंड से ही निकालना चाहिए पैसा। हर चीज़ के लिए सरकार के पास जाते हो पैसा दो, ये जो कलेक्शन करते हो उसका क्या करते हो? सर म्युनिसिपल फंड के अभी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम लोग ये। हाँ तो आप जो टैक्स रियलाइजेशन करते हो कि कहाँ इसका पैसा क्या करते हो तुम लोग? टैक्स का पैसा जो आता है सर पूरा म्युनिसिपल को। और आपको पर एक बजट एलोकेशन सरकार भी करती है हर साल सर, जो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए करती है क्या? नहीं सर, उसके लिए जो बजट पास होता है सर, अभी जैसे बजट आप मुझे बताइए, आप तो कमिश्नर हैं सर, आज की तारीख में बजट में कितना एलोकेशन है कचरा साफ करने के लिए? सर अभी जो बजट पेश हुआ है सर कल के उसमें हुआ है सर, नगर निगम ग्वालियर का वो पूरा बजट महापौर ने पेश किया है सर, तो वो पूरा बजट है 2700 करोड़ का सर, उसमें हर हेड मतलब हर कंस्ट्रक्शन से लेके। मुझे आप इतना बता दीजिए, राज्य सरकार ने आपको कचरा के हेड में कभी मांगा पैसा आपने और कितना दिया आपको सरकार? बिल्कुल मांगते हैं सर हम लोग और हमेशा देते हैं राज्य सरकार। तो उस पैसे का क्या किया आपने? सर अलग अलग टाइम पे जैसे हमने गाड़ी खरीदी सर, गाड़ी जो कचरा डोर टू डोर हमने चाहिए, हम जानना चाहते हैं जो आपका 15 साल से कचरा इकट्ठा है उसके डिस्पोजल्स के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया आपको? सर वो 32 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, पिछले साल ही सैंक्शन हुआ है सर। उसके पहले क्या हुआ है? उसके पहले सर सैनिटरी लैंड, उसके पहले लैंडफिल साइट का ही कॉन्सेप्ट था शहरों में, उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब इसको ज्यादा कचरे का लैंडफिल मतलब ये कि आप शहर के बाहर एक जगह कहीं एक डंप करते रहो, उसमें चील कौवे घूमते रहे उसके ऊपर, उसके बाद बाउंड्री बना के सब था सर हमने किया। क्या है आप वहाँ पे देर ए बिग क्रेटर बिल्कुल जहाँ पे आप कचरा इकट्ठा करते हो वहाँ पे गड्ढा है बड़े, वहाँ पहले माइनिंग होती थी सर, व्हाई डोंट यू यूज दैट एरिया टू डंप इट? क्यों नहीं करते हो? वहीं है सर, वहीं पे केदारपुर में जो हमारी साइट है सर। आप में ये बताइए मेरे को, जितना कचरा आपका 15 साल का इकट्ठा है उस कचरे को आप सेग्रीगेट करके उस क्रेटर में डालते क्यों नहीं हो जो माइनिंग से खाली पड़ा हुआ है? वही है सर, ये जो प्लांट है वही करते हैं सर। ये प्लांट जो अभी लगाया है सर ये कचरे को 10% में ला देगा, 10% का है, और जो 10% है जो कुछ नहीं हो सकता उसको वहाँ क्रेटर में डालेंगे। यही है सर पूरा प्रोजेक्ट ही यही। तो ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ सर? ये प्रोजेक्ट आया सर, इसका हमें फंडिंग मिली थी पिछले साल 2023 में सर अप्रैल के, मतलब हमें एक सेंक्शन मिली थी
23 में सर अप्रैल के आसपास, और ये प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है, चालू। कितना कैपेसिटी है इसका? सर 4000 टन पर डे का है सर। कितना दिन लगेगा इसको? सर, इसको 150 दिन में वेंडर है इन्फॉर्म सर, और हमारी प्रोग्रेस चल रही है, 150 दिन में हम कर देंगे सर। दूसरा जो 150 दिन में 15 साल कचरा निकल जाएगा सर, वही मैं अगला पॉइंट में बताने वाला हूँ सर। रोज का भी हो गया सर, ये 15 साल वाला 400, देखो लेट्स वर्क इट आउट, 450 मीट्रिक टन रोज इकट्ठा हो रहा है, मीट्रिक टन है ना, और जो 15 साल का कचरा है वो 6 लाख मीट्रिक टन है, 6 लाख मीट्रिक टन प्लस 450 मीट्रिक टन पर डे, उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है सर? उसकी जो पूरा लेगेसी वेस्ट का अलग प्लांट है सर, जो पुराने कचरे इकट्ठा हुआ है 4000 टन पर डे, जो हमारा रोज का कचरा उसके लिए हमारे अलग प्लांट है सर। तो रोज का जो कचरा आता है सर, उसकी हमारी कैपेसिटी करीब गीला सूखा मिला के 500 टन है सर, जो हमारी कचरा आता है उससे। आप मुझे इतना बता दिए, लेट अस नॉट, प्लीज डोंट कंफ्यूज अस, आपके पास कितनी मशीन्स हैं उस कचरा पॉइंट पे? सर हमारे पास जो लेगेसी वेस्ट के पुराना वेस्ट है, जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं सर, उसके लिए हमारे पास 4 ट्रॉमल लगे हैं 1000 टन के, तो टोटल उसकी कैपेसिटी 4000 टन सर। 4000 मीट्रिक टन पर डे और 4000 टन जो गैस है वो निकलती है सर, तो कचरा के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 60-70% पे आ जाता है अभी जो है, उससे 50% के आसपास आ जाता है। फिर उससे एक एक चीज निकालते हैं सर, जैसे इनर्ट अलग निकालेंगे, जो चीजें दे सकते हैं अलग कंपनी को, जैसे पॉलिथीन निकाल वो अलग निकालेंगे। तो ये सब प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लगता है? ये रोज यही 4000 टन पर डे निकाल देता है सर, कचरा साफ कर देता है। तो 4000 टन कचरे में कितना कचरा बचता है सर? 10% बस, और बाकी सर अलग कंपनी, जैसे वो वेंडर के। तो अब ये दो मशीनें आपको 4000 टन पर डे काम कर रही हैं? चार मशीनें, एक मशीन 4000 टन, एक 1000 टन है सर, तो 4 मशीन, तो 4000 टन हो गया, और कचरा इकट्ठा है 6 लाख मीट्रिक टन सर। इसी के बारे में एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर, हमने एफिडेविट में फाइल किया है कि ये स्कोप, जब ये इसके बारे में पूरी स्टडी हुई थी, ड्रोन से स्टडी हुई थी कि कचरा कितना इकट्ठा है सर, जब कोर्ट के डायरेक्शन हुए तो हम लोगों ने फिर से स्टडी की, तो सर उसमें जो 6 लाख टन की स्टडी का हमें प्रोजेक्ट है, जब स्टडी हमने दोबारा की ये करके, तो और कचरा इकट्ठा होके करीब अब जो कचरा है सर इकट्ठा है 9 लाख टन करीब हो गया। एक काम करो सर, ऐसा है कि कुछ 2-4 ऐसे ब्रेनी लोगों को इकट्ठा करो सर, हिंदुस्तान सर, के फिर एक सेमिनार करवाओ यहाँ पे कि साहब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर जो है सेमिनार कर रहा है कि 9 लाख मीट्रिक टन कचरा कैसे हैंडल किया जाए, तो उसमें एक बुद्धिजीवी आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, फिर वहाँ पे सेमिनार होगा, फिर फंक्शन उशन करके उसको फिर पेपर में छपवाओ, सब 9 लाख मीट्रिक टन कचरा को निकालने के लिए हमने ऑल इंडिया से एक्सपर्ट्स का एक सेमिनार करवाया, और सेमिनार में ये डेलिब्रेशन हुए हैं, छपवाओ अखबारों में, और फिर उसके लिए कमेटी बनाओ, उस कमेटी में लिखो कि साहब डेलिब्रेशन में ये बातें हो गई हैं, अब काफ़ी सीरियस मैटर है, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट्स कमेटी बताई जाए, फिर वो एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद वो सरकार के पास प्रपोजल जाएगा, और फिर आप कहोगे साहब अभी प्रपोजल गया हुआ है, फिर आएगा तो बताएंगे, फिर 4 साल बाद फिर एक सेमिनार बुलाओ, तो ये साइकिल तुम्हारा चलता रहे, और इसका अंत कभी नहीं होगा। वो 9 लाख, अभी तुमने 6 लाख मीट्रिक टन कहा, अब वो 9 लाख मीट्रिक टन हो गया, अब आते आते ना कहो ये 15 लाख मीट्रिक टन हो जाए, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? क्योंकि सर जो कचरा हमारा जो जा रहा है सर, रोज का कचरा है, अभी तो आप बोले 6 लाख ही था, अभी 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया आपका कचरा सर, अभी 15 दिन में बढ़ गया इतना कचरा सर। वो जो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि कचरा को साफ करने की जो मंशा है उसमें इतनी ज़्यादा हमको तीव्रता दिखती नहीं है, साइंटिफिक एनालिसिस की बात हो रही है, और उसको हम लोग को ज्ञान दे रहे हो आप, हमें तो एक्चुअल आउटपुट चाहिए साइट पे सर। मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप मशीनें नहीं हैं तो आप मशीनें और लीजिए, हम सरकार को बोले आपको मशीनें दिलवाए, लेकिन ये कहना ये मशीनें बहुत हैं हमारे पास में और मैं काम कर लूँगा इससे, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है भाई। इनका 4000 टन का रोज का इनका आउटपुट है और 9 लाख मीट्रिक टन है,
अब इसको डिवाइड करो 6,20,000 टन को 4,000 टन से, कितने दिन में आएगा बताओ, लिखित बताओ सर। एक महीने में फिर। अरे भाई पढ़ बना लो ना, तुम तो आईएएस ऑफिसर हो सर, अभी बनाते एक खटाखट बना के बताओ सर। एक फिर अब 9,00,000 हो गया, अब 9,00,000 देखो 4,000 मीट्रिक टन एक दिन में तो 4,00,000 तो एक महीने में और एक चार नहीं नहीं अब ऐसे देखो ना, अब 6,00,000 मीट्रिक टन कितने दिनों में, तो 6,00,000 मीट्रिक टन डिवाइडेड बाई 4,000 टन। कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर है, 225 डेज हो गया तो इतना हम लिखवा देते हैं कि 225 दिन में 9,00,000 मीट्रिक टन कचड़ा, वो कौन सा लिंक रोड है केदारपुर से साफ हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है एट द बार। इसमें एक सबमिशन है सर। हाँ अब इसमें क्या है किंतु परंतु सर, और वो आगे नहीं बढ़ेगा वो भी बता। नहीं मैं वही सर, इसलिए हम आप पर रिकॉर्ड करेंगे आज, इसीलिए सबमिशन है। हाँ सर, ये जो टेंडर है सर, ये जो जब किया गया था सर टेंडर, तो ये 6,00,000 मेट्रिक टन है, ये 150 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी ये चल रहा काम ये हो जाएगा, उससे पहले भी कर लेंगे हम लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। अब जो सर एक्स्ट्रा जो जिसका असेसमेंट कभी किया ही नहीं गया था सर, जो किया गया कोर्ट प्रोडक्शन में, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया सर, वही जो जो हमें उसमें एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है। देखो बस यही कहानी मेरे को पसंद नहीं आती, वो अभी हमारे पास कोई ये लिखा पढ़ी वाली जो कागजी घोड़े दौड़ाते हो ये हमारे नहीं चलेगा। एज अ कमिश्नर यू कम आउट विद क्लियर स्टेटमेंट, हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम इतने दिन में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हमारे पास पर्याप्त मशीनें हैं, अब अगर पर्याप्त मशीनें हैं तो मुझे बता लिख के दो कि साहब मैं इतने दिन में जितना कचरा इकट्ठा है, मैं चाहे 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, 6 महीना का हो, लेकिन कम आउट विद ए क्लियर स्टेटमेंट कि सर मैं मशीनें हमारे पास ये लगी हुई हैं, मैं इन सारी मशीनों को इंश्योर करता हूँ कि वहाँ से कचरा इतने समय में पूरा साफ हो जाएगा और वो बगीचा बन जाएगा। क्योंकि आपने ये कह दिया है कि साहब मुझे सरकार की मशीनों की जरूरत नहीं है, मेरे पास मशीनें सक्षम हैं, जब मशीनें पर्याप्त हैं और आपका स्टाफ सक्षम है तो समय समय बताओ। सर मैंने जो एफिडेविट दिया है उसमें यही लिखा है कि जो एक्स्ट्रा है सर, जो एक्स्ट्रा के लिए कभी असेसमेंट नहीं किया गया था, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ उसके मदद की ज़रूरत है। आप बताइए क्या चाहिए। वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप दोनों तरफ मत चलो सर, स्ट्रेट बोलो कि साहब इतना कचरे के लिए इतनी मशीन मेरे पास है, इतना कचरा मुझे करने के लिए इतनी मशीन और चाहिए, आप बताइए, हम सरकार से कहेंगे कि सरकार पैसा, ये तो पब्लिक की सिविक कम्युनिटीज़ की चीज़ें हैं, और हमें पूरी उम्मीद का विश्वास है कि पब्लिक की सिविक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए सरकार आपको सब कुछ देगी। रघुवंशी जी यहाँ पे खड़े ही हैं हमारे पास सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, हमें लास्ट टाइम भी जब कहा आपसे, नहीं तब भी कहा था सफिशियंट है भाई, व्हाई आर यू नॉट क्लियर सर, मुझे इतना पैसा चाहिए सर। वी हैव रिटर्न सर, हमने बना लिया है 32 करोड़ हमें, और सरकार से जो भी लेना है सर वो सबमिट कर दिया है, वी हैव सबमिटेड सर वो डायरेक्शन। 32 करोड़ कौन सा एफिडेविट है आपका सर? आईए में हमने कंप्लायंस में दिया। और मिस्टर रघुवंशी आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट टेक दीज ऑफिसर्स एज ओआईसीज फॉर योर गवर्नमेंट रिप्लाइज, दे आर पार्टी themselves. Let a responsible officer from Bhopal swear an affidavit. One department or one local body is involved in the matter. This is not fair. That deputy commissioner, that additional commissioner knows nothing. Please don't, I mean, see, our anguish is that you have not taken it on a serious note. After all, why are we spending so much of time for this? Is it for us? It's for public at large. A lot is doing the... Our anxiety is only to ensure that the residents of Gwalior should have a clean environment. Yes, absolutely. Why they should not be given? If they are paying taxes,
should get the facility. Why only Indore should have this benefit? Why should only Bhopal have this benefit? Why not Gwalior? Why not Jabalpur? Why not any other city of the state? Those cities have come up to such a level where as a trenching ground they have a garden. And we are still fighting to ensure that how we can remove this 9 lakh metric tons of garbage heap standing there for last 1.5 decades. Somewhere somebody has to take the call. But for our intervention, look at this gentleman, Mr. Harsh Singh is saying, it's only in the last 2 months he has started writing to the department. Nobody cared about it. So पॉलिसी है हमारी, क्या पॉलिसी है कि कचरा शहर से इकट्ठा करो और शहर के बाहर हीप कर दो। अरे अगर हीप करना है तो वहाँ पे जब क्रेटर बना हुआ है, पहले माइनिंग होता था वहाँ पे, आज गड्ढा बना हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको क्यों नहीं डंप कर सकते थे? क्रेटर आज का तो माइनिंग बंद नहीं है ना, कई सालों से माइनिंग बंद है वहाँ पर, क्यों इकट्ठा करके रखा वहाँ पे? उसको निकाल के वहाँ पर लेवल कर देना चाहिए था उसको। आज की तारीख में तो एक वो कल्टीवेटेड ग्राउंड बन जाता वो, सॉरी अच्छा वो खाद बन जाता वो। केदारपुर में नहीं है, शताब्दी परम बेलुआ, शताब्दी दे हैव प्लेस वेयर दे कैन डंप इट एंड मेक इट अ ग्राउंड। सर ऐसा रिक्वेस्ट है सर, हमने ऐसा किया है, बर्रा लैंडफिल साइड पूरा पार्क बना हुआ है सर। बड़ा अच्छा किया आपने, जो कर रहे हो वो भी दिख रहा है, क्या करे अब हम। For a change of OICs, we get a change. An independent officer will be made the OIC. This man, these two Johnnies would be in trouble. I'm telling you. Talk to. After all, if we want a reply from the government, that what have you done on the expert's report? Please give us a serious reply on this, that these are the issues which are required to be further deliberated on technical side. Because we have already appointed technical committee which has examined this matter. These are the points to be again addressed, and thereafter we'll make it over to the government on financial side for its approval. This one line statement by this Johnny of deputy commissioner or additional commissioner says that 3 weeks time is required, and on telephone he has received the instructions. Look at this casualness. हमें क्या है मतलब, ये कोई तरीका है हाई कोर्ट में हलफनामा देने का? In fact, the officer working there it has should be appointed as well. Not only that, he has to be given proper instructions. इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मुझे कहने में तकलीफ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार की कैजुअलनेस है उसको देख के वी आर वी रियली फील एंग्विश्ड। आप हाई कोर्ट में हालांकि आई हैव फुल डाउट्स, हम जितनी भी डिटेल ऑर्डर शीट्स लिखते हैं शायद ही कोई गवर्नमेंट तक पहुंचती हो, अगर पहुंचती है तो उसको कोई पढ़ता नहीं होगा। हम लोग यहाँ बैठ कर क्या रहे हैं कि हर पेशी में 1.5-2 घंटा लगाओ और फिर इस प्रकार के हलफनामे लो? ये तो कह दो लिख करके कि साहब हमारे बस का नहीं है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो फिर जो हमें करना होगा हम करेंगे अपने हिसाब से, हम भी बंद कर देंगे केस को। भाई सरकार भी और कॉरपोरेशन दोनों सक्षम नहीं है, इसलिए हम इसको बंद करते हैं। कह दो
देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इतना पैसा नहीं मिल सकता हमारे पास. लेकिन हमको डोंट टेक अस फॉर अ राइड, ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन डोंट ट्राई टू ओनली आर्ग्यू बिफोर अस. We are not here to listen to the arguments. We are in this case particularly. We want action. कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो हाथ खड़े कर दो, साहब हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन हमको यहां वहां घुमाओ नहीं. आप मुझे स्पेसिफिक दीजिए जो आप कौन सा फिट आप रेफर कर रहे हैं. सर पेज नंबर 21 पे हमने अप्लाई कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लायंस. ये कल्चर जो है ना हमें अप्लाई कर दिया था. आई एम नॉट, आई गेट इरिटेटेड. मुझे बताओ तुम्हारे पास जो हाथ में है तुम उसको लेके क्या कर सकते हो, कहा तुम्हारा एफिडेविट कौन सा आइए दिखाओ, बहुत सा दिखाना कौन सा एफिडेविट इनका. आप यू गो बैक टू योर ऑफिस मिस्टर हर्ष सिंह, आप अपने ऑफिस जाइए, पूरा आकलन करिए बैठ करके आप, और मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि साहब हमारी चार मशीनें जो हैं वो इस काम के लिए एलोकेटेड हैं, दो मशीन इस काम के लिए हैं, इसका इतना पर डे का है, इतने दिन में हम ये निकाल देंगे, इसका इतना पर डे का है, ये मशीन मेरे पास नहीं है, ये इतनी वैल्यू की है, जो मुझे चाहिए आप डायरेक्शन दें सरकार को कि मुझे मशीन दे तो मैं उसको निकालूं. मुझे लंबा चौड़ा एफिडेविट नहीं चाहिए. अगर वो आपने लिख के दे दिया है तो उसको मैं पढ़ूंगा और दिखा दीजिए, और अगर उसमें नहीं लिखा हो तो लिख के दीजिए आप. हाँ सब दीजिए. वी हैव योर माइकस विद अस. इनका कहाँ है, कौन सा कागज है इनका भाई? ये 1547 सर. आज आया है कि नहीं आया है? कंप्लायंस रिपोर्ट है सर. कंप्लायंस रिपोर्ट आपने कब पेश करी है? टुडे सर. आज ये एक कॉपी आई तो है हमारे पास भी. ये साहब को कॉपी दो भाई, साहब को दो. जो हम लोगों की एंग्जाइटी
और ना कर पाओ वो बताओ, जो क्लियर है कि नहीं, जो आपके आपके पहुंच के बाहर हो सकता है आपकी लिमिटेशंस हो कि साहब मैं आपसे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं बुलाऊंगा अधिकारियों को, आप तो पब्लिक के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप हमें बार बार ये दिलासा देते रहो हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इन नेट रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा। पिछले 6 महीने हमारे बर्बाद हो गए इस PIL में, जब आपने कहा था ट्रंक लाइन बिछाने के लिए हमने सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कर रहे हैं, और बाद में चला साहब वो तो पैसा वहाँ से मिल नहीं सरकार से, 100 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट दे दिया हूँ आप सरकार भारत सरकार को, भारत सरकार बोलती साहब हम हमें आप बस केवल उनके पास STP देने का है नमामि गंगे में। अब 506 अब जो 50 लाख का प्रोजेक्ट था आज से 6-7 साल 17 में हुआ था, 17 में आज वो 596 करोड़ का हो गया। सर इन दैट रिस्पेक्ट वी हैड फाइल्ड अ रिपोर्ट सर, मैं उसे बताना चाहूँगा वो ऐसा नहीं था सर कि दैट वाज 50 करोड़ प्रोजेक्ट सर, हमने रिप्लाई फाइल किया था। वो ठीक है, मेरा मतलब कहने का है कि अगर ये काम टाइमली हो गया होता तो आज 596 करोड़ ना लगते ना। अनसर्टेनिटी क्यों रहे, सर्टेन होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और आफ्टर ऑल आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स हो, इस यहाँ पे आते इसीलिए पोस्ट हो करके कि कुछ समाज के लिए काम करो, लोकल बॉडी हो आप। आज आप 8 महीने से यहाँ पे हो, 8 महीने के पहले भी थे अफसर रहे होंगे, नहीं थे अफसर? कमिश्नर तो काफ़ी 56 से होगा ना कमिश्नर यहाँ पर, सारी बातें आज ही हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया शहर के लिए। अब वो PWD वाला वाटर सोर्सेज वाला इससे हमने पूरा क्लियर कर दिया। अब वो कौन हनुमान मंदिर से कहाँ तक का पैसा, वो कहाँ सिटी और स्मार्ट सिटी वाला कौन है यहाँ पे मैडम? हाँ क्या किया वो, खड़ा किया उसको वो जालियाँ जो लगाने वाली थी आप कचरा रोकने वाली, शासन से अनुमति नहीं मिली सर, शासन का एक रिक्वेस्ट पत्र आया है सर कि नगर निगम अपने मत से करेगा सर, वो परमिशन नहीं मिली। अब समझ लो तुम तो MD हो वहाँ के ना, स्मार्ट सिटी के क्या हो? नहीं नहीं मैं ED हूँ सर। हाँ ED हो, लो ED के पास डाल दिया, अब ED क्या बोलेगा सर? और MD कलेक्टर है सर, देखो कितना बढ़िया खेल चल रहा है, स्मार्ट सिटी के ED को ऊपर डाल दिया गया कि कमिश्नर करेगा वो काम, और कमिश्नर बोलता है मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। अब क्या कहें हम लोग बताओ, जिस काम के लिए मैडम ने पिछले 3-4 PCO में कहा कि साहब 2 करोड़ रुपए के लिए लिख दिया है वो मिलने वाला है, आवाज़ ये कह रही है सरकार ने कह दिया कि वो काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो केवल बिल्डिंग पेंट वेंट करो, लाइट वाइट फसाद लाइट लगाओ, चमका के आ जाओ फेशियल करके, बाकी जो ये कचरा उछड़ा वाला काम है दिस इज नॉट फॉर स्मार्ट पीपल, दिस इज फॉर कॉर्पोरेशन। परमिशन दे दिया सर उसने, व्हीकल की परमिशन दे दी सर, व्हीकल परचेस करने की काय के लिए सर, जो आपने डायरेक्शन दिए थे मैं उसके बारे में सर वो जो नहीं नहीं तुम दोनों में सामंजस्य सही नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन वाले नहीं, वो तो छोड़ो मैं तो बात कर रहा हूँ, अगर सामंजस्य होता तो आप लोग आपस में बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करते ना, भाई तुम्हें ये करना है हमें ये करना है इस प्रोजेक्ट में और इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपने अपने आपने अपने हाथ में लिया, आप बोलती सरकार बोलती है कि दो वो प्रोजेक्ट आप नहीं करोगे वो सरकार कॉर्पोरेशन करेगा, मिस्टर रघुवंशी यू एज अ सीनियर एडवोकेट एज एडिशनल एडवोकेट जनरल एज अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी श्री के एन गुप्ता इज ऑलरेडी देयर एज अमेरिकस क्यूरी सीनियर सिटीजन एंड रिस्पेक्टेबल काउंसिल एडवोकेट ऑफ द सिटी प्लीज डू समथिंग फॉर दिस, इन पे मत छोड़ो, ये 2 महीने बाद फिर ट्रांसफर हो जाएंगे,
फिर आ जाएगी आचार संहिता। उस पर क्या, उस पर क्या एक्शन क्या होता है? नहीं नहीं, आपने और ये हम अगर डायरेक्शन आपको देते हैं तो वो ऑर्डर किस लेवल तक जाता है? क्या हुआ उसमें? अब कुशवाहा बताएंगे ना, बताओ भाई कहाँ है? ऑनलाइन मीटिंग। हाँ दो ले आओ, डेलीब्रेशन ले आओ, दिखाओ हमको फाइल में क्या किया तुम लोगों ने उस पर। वो तो दोनों ऑफिसर्स को मैं बुलाया ही हूँ, सब रिकॉर्ड लेके आऊँ मैं वो। आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने हलफनामे में? सर जो लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बारे में फाइनल पॉइंट्स है सर। एक तो सर जो डिस्कस हो गया सर लेगेसी वेस्ट का, उसके अलावा आपने डिस्कस वो दिया था इंस्ट्रक्शन सर कि कितने व्हीकल हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास और कितनी कमी है उसके बारे में ब्यौरा दीजिए सर। वो हम लोग ने पूरा एफिडेविट में सर एक मिनट ऑर्डर शीट निकालना, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर नहीं, इसमें आपके तीन डायरेक्शंस थे। पहला तो था जो हमने डिस्कस किया रघुवंशी जी के साथ में, सेकंड पार्ट में आइए, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू सच प्लांट्स, कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ऑफ ओवर 6 years एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 tons गार्बेज फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ मैसूर कॉलोनी ग्वालियर। ये मीट्रिक टन होना चाहिए था, 450 मीट्रिक टन। इसके लिए आपने क्या लिखा पूरा रिप्लाई? और दूसरा है रिवाइज प्रपोजल टू नमामि गंगे फॉर फंड्स टू इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तीसरा है नंबर ऑफ गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स अवेलेबल एज अगेंस्ट रिक्वायर्ड व्हीकल्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ फॉर कलेक्शन ऑफ गार्बेज फ्रॉम हाउस होल्ड ऑन डे टू डे बेसिस। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप बताइए सर, जो पहला पॉइंट है सर कि एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर केदारपुर में, उसमें सर किस पैरा में क्या लिखा है आपने बताइए बताइए आप। हाँ सर, आई हैव सबमिटेड द एफिडेविट सर। सर इन रिगार्ड्स टू सर गार्बेज कलेक्टेड ओवर 6 years सर एंड एवरी डे रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू सच प्लांट्स कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ऑफ ओवर 6 years। अब आप 9 years बोल रहे हो ना, एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 tons लिखा, विच शुड बी मीट्रिक टन सर। हाँ, इसको देखते हुए आपने क्या लिखा बताइए सर। सबमिट किस पैरा में है सर? फर्स्ट पैरा है सर ये जो। हाँ पढ़िए सर। दैट द ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 6/2/24 हैज डायरेक्टेड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इन्फॉर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू सच प्लांट्स कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ओवर 6 years एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 ton गार्बेज फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर। सर इट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड दैट एज सबमिटेड इन द अर्लियर कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज ऑलरेडी इशूड अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल लेगेसी वेस्ट एंड द सेट ऑपरेशन यूनिट्स आर ऑलरेडी इन ऑपरेशन। द कॉन्ट्रैक्टर हैज जस्टली अश्योर्ड द कॉर्पोरेशन दैट द सेट फैसिलिटी 4 in number capacity 1000 each total 4000 ton are in process and accordingly 4000 ton of solid waste is processed every day by the said unit. In addition to this sir, the corporation already installed process unit for dry waste plant of 250 ton per day which is city's everyday waste being processed by municipal corporation at the site. Sir, it is respectfully submitted that as per required existing capacity of 400 ton per day, 250 ton is being processed by municipal corporation with already existing installation machine. For rest the waste, the processing unit is required for which the proposal have already been sent to cities 2. The said project is submitted by the smart सर। इसमें सिटीज़ 2 एक प्रोजेक्ट है सर जिसमें पूरी सिटीज़ का चयन होना है 100 में से 18 cities का सर। तो हम लोग ग्वालियर उसमें पहले 36 cities में आ गए हैं सर, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन था मेरा और सीईओ स्मार्ट। ये जो काम है सर, ये काम किसी स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत नहीं होना है सर, ये काम है रूटीन नेचर का। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है सर।
दिस यू हैव टू आस्क फॉर द गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ कोर्स नॉट दैट बिकॉज यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड टू 36 और 18 वी आर नॉट कंसर्न विद दैट वी आर कंसर्न विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स हमने लिख दिया है उसमें हम 18 में आ गए हैं क्लीन सिटी के रास्ते में चल रहे हैं इसे बेकार की बात है यू लेट अस नो व्हेन यू विल गेट द मनी सर ये एंड व्हाट इज योर एफर्ट सो फार मेड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स सर जो ये एडिशनल नहीं इसको सुनेंगे अभी आपको लंच के बाद बुलाते हैं फिर से बनाएंगे भैया अभी तो अभी सेकंड पेज पे ही आप आए हो सर जो सर एडिशनल रिक्वायरमेंट थी हमने सिटीज 2.0 पूरा प्रोजेक्ट बना के इसमें सबमिट किया सर वहाँ प्रेजेंटेशन भी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग गए थे प्रेजेंट करके आ गए सर इसका रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा सर उनने हमसे एफिडेविट लिया है कि अगर आप ये हमसे पैसा लेंगे 135 करोड़ मिलेगा सर सिटी को अगर ये पैसा लेंगे तो और कहीं से आप प्रोजेक्ट नहीं एफिडेविट मैंने वहाँ भी दायर किया है सर और ये आने के बाद पूरा ना सिर्फ प्लांट बल्कि सर व्हीकल व्हीकल सब एवरीथिंग इज अलॉटेड अंडर दिस सर तो ये सिटीज 2 का प्रेजेंटेशन हो गया सर तो हमने वहाँ सबमिट कर दिया है ये रिक्वायरमेंट देखते हुए सर सर नेक्स्ट सर वो सर अभी एक हफ्ते में पता चल जाएगा सर हम लोग को यानी आप वही इट्स लाइक गैम्बलिंग सर हिसाब हमने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है सर अब अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा सर अदर मेरे पास भी सर अदर मतलब जो प्लान है वो भी है सर सर एवरीथिंग प्लान ए प्लान बी की बात ना करो सर मुझे पॉजिटिव चीज बताओ सर अभी तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है सर ये तो वही वाली बात हुई हिसाब अगर मैं PMT में आ गया तो सर मैं MBBS करूँगा और सर उसके बाद मैं MD भी करूँगा फिर मैं MCH भी करूँगा और सर मैं एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल यहाँ खड़ा करूँगा अभी तुम्हारे हाथ में क्या है तुम तो अभी केवल दरवाजे पे खड़े हो वहाँ पे और 36 में आओगे कि तुम 18 में आओगे इसके पे तुम डिपेंड कर रहे हो यहाँ के रूटीन चीजों पर सर ये इसका मतलब आपकी अप्रोच जो है इस वक्त ये अप्रोच ये है कि जब हमको कोई हमको अपना ब्लू आइड बॉय बना लेगा ये हमको 18 शहर में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तब ये पैसा आएगा तब ये हम कचरा उठवाएंगे ये तो बात नीचे लग रही है सर इसमें अप्रोच बस ये है कि हमें एक एफिडेविट देना जब तक आप ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं तो आप कहीं पैसा खर्च नहीं कर सकते तो ये अगर नहीं होगा तो हमारे पास अपने म्यूनिसिपल फंड आइए आप 2:30 बजे आइए 2:15 बजे आइए देखिए वी विल डिस्कस योर कंप्लीट एफिडेविट टुडे